कैथल विधानसभा सीट से जय महाभारत पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप राणा के हक में रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो कैथल सिटी का चक्कर लगाने के बाद गांवों की तरफ निकल गया। प्रदीप राणा ने मतदाताओं के समर्थन का दावा करते हुए अपनी जीत को पक्का बताया। प्रमुख पार्टियों पर तंज कसते हुए प्रदीप राणा ने पूछा कि जो उम्मीदवार आज करोड़ों रुपए देकर टिकट ला रहे हैं, वे कल जनता का क्या भला करेंगे। आइए सुनते हैं। जो आज रोड शो रहा है, इसमें मेरे सभी युवा साथी बहुत बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दे रहे हैं। अभी काफिला हमारी कैथल सिटी और बाद में गांव में जाएगा जी, पाटला जो मेरे आसपास के गांव है, 100% मेरे साथ है जी। और ऐसे ही समर्थन रहा तो जीत वाली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो किन मुद्दों पर? यही मेडिकल, शिक्षा और बेरोजगारी, जो बीजेपी ने आज करप्शन का एक खेल रचा हुआ है। आप देखो, करोड़ों करोड़ रुपए में टिकट आ रही है, जो ये टिकट लेके 25-25 करोड़ रुपए में टिकट लाए हैं, ये क्या हाल करेंगे आगे जनता? 5 साल हरियाणा के लोगों को लूटा और कूटा है। हर बेरोजगार, हर पढ़े लिखे नौजवान को आज दर दर भटकने के लिए मजबूर किया है। हर किसान को उनके फसलों का उचित दाम ना देकर उनसे खेती छुड़वाने का काम किया हुआ है। तो आज आपने देखा ही है, जो डिग्री होल्डर PhD नौजवानों को आज बीजेपी सरकार ने ग्रुप डी की नौकरी देकर उन्हें लज्जित करने का काम किया है, जो कि उनको अच्छे पद पे बिठाना चाहिए था। तो इसलिए हमारा यही एजेंडा है, हमारा भाई नौजवानों को अच्छा रोजगार, नौकरी, किसानों को उचित मूल्य दिलवाना, तो बुजुर्गों को पेंशन, तो जिसमें साथी हरियाणा प्रांत को जिस चीज़ की जरूरत है, हम बढ़ चढ़ कर अपने विधानसभा कैथल का पूरा विकास करने के लिए वचनबद्ध है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल विधानसभा सीट के संभावित नतीजों के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।